हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास नेबुलाइजर आया है डॉक्टर का, जो डॉक्टर बच्चे को खांसी में खांसी हो जाती है, दम फूलने लगता है, तो वो इस मशीन से भाप देते हैं। ये मशीन रिपेयर के लिए आया है, इसमें आइए चालू कर लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, चालू कर लिए हैं और इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें एयर नहीं है, मशीन चल रहा है पर एयर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे पास रिपेयर के लिए भेजे हैं, देखिए कोई एयर नहीं है। इसमें पंखा बंद कर लेते हैं, देखिए कोई एयर नहीं है। देखिए कोई एयर नहीं है और मशीन चल रहा है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है मशीन में, इसमें कोई एयर नहीं है। देख लीजिए कोई एयर नहीं है, मशीन अच्छा खासा चल रहा है। आइए इसको खोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर करें। आइए इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आइए फटाफट खोल लेते हैं इसको। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए इसको खोल लिए हैं, तोड़ रहे हैं इसको, खोल लेते हैं, इसको खोल दिए और चेक करते हैं। ये देखिए मोटर है, ये पिस्टन है इसका, ये वाला पिस्टन है, ये मोटर है। मोटर ऐसा चलता है तो पिस्टन ओपन अप डाउन करता है तो एयर इस पाइप से एब्जॉर्ब करता है, निकलता है। ओहो, इसका देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पाइप होती है जो एयर कंप्रेसर आगे भेजता है, पाइप हवा एयर को, कोई पाइप निकला है, यही दिक्कत था जिसके कारण यह मशीन में एयर आगे पास नहीं कर रहा था। आइए इसको डालकर और चेक करते हैं कि मेरा 100% ओके हो गया। आइए इसको डाल दिए और डालने के बाद इसको कस लेता हूँ। कसने इसको मैंने फ्रेंड्स, इसको चेक करने के बाद इसको ग्रिप आता है प्लास्टिक का, उससे हम बांध देंगे फिर एयर वाला पाइप निकले ना, फिर उसका है ना प्रॉब्लम। आइए इसको कस लेते हैं, आइए इसको कस लेते हैं। कसने के बाद इसको चालू कर दिखा देते हैं एयर और इसका, जब हम 2 मिनट कस लिए हैं इसको, बाद में टेप लगा कर उसको टाइट करेंगे। आइए इसको चालू करते हैं और देखते हैं एयर वाला चल हो गया। देखिए मेरा एयर वाला, देखिए एयर फास्ट है, एयर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, कितना में आता है कि एयर नहीं देने के कारण यह पाइप होती है ये बंद हो जाती है, ये चार्ज लाइन बंद हो जाती है जिसके कारण एयर इसमें नहीं आता है, कितना है ने बोला एयर में। फ्रेंड्स, तो आइए एक और बात आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, कि ये जो नेबुलाइजर का ये वाला मुँह वाला एथी होती है, उसको यहाँ पर लगाने से यहाँ से एयर निकलती है और आपके मशीन में भाप नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी रखा जाता है और यहाँ पे एक प्लास्टिक का और झकना होती है जो मेडिसिन रखने के बाद वो लगा दिया जाता है, उसके बाद ही कस दिया जाता है तब भाप बनता है फ्रेंड्स। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास वो प्लास्टिक का झकना जो इसमें मेडिसिन भरने के बाद वो लगाया भरा जाता है वो नहीं लेकर आए थे, जिसके कारण भाप नहीं बन रहा है।
भाप ओवन लगा देने के बाद, चालू करने के बाद भाप आपको बनने लगेगा। फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखें कि आप भाप ना बने तो आपको टाइम ना हो। कितना अच्छा एयर दे रहा है, तो परेशान ना होके भाप नहीं बन रहा था। भाप इसमें एक झकना आती है, वो मेडिसिन धरने के बाद, वो झकना धर देने के बाद इसमें भाप बनने लगता है। जो मेडिसिन होती है ना, वो फुहेरे की तरफ में उड़ने लगता है, जिसके कारण वो ही भाप के रूप पकड़ लेता है। यह गर्म वरम कुछ नहीं होता है, जिसके कारण ये भाप नहीं बनता, वो उससे भाप बनता है। जो फुहरा होती है ना प्रेशर से, उससे भाप बनता है। आइए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा नेबुलाइजर ओके हो गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।